पॉलिटिक्स में सिंबल्स का कितना महत्व होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आज हम इस वीडियो में देंगे। विजयादशमी की शुभकामनाएं। विजयादशमी रावण के वध का प्रतीक है। यदि ये बात किसी पॉलिटिशियन द्वारा बोली जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी के राजनैतिक वध का समय आ चुका है। 1995 में बीजेपी में मुंबई अधिवेशन में अडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 1996 के इलेक्शन में बीजेपी ने 13 दिन की सरकार चलाकर समझ गए थे कि वो कभी भी सरकार में आ सकते हैं। 1997 में दिल्ली दुरुस्त नहीं थी, वाजपेयी बल्गेरिया की यात्रा पर थे। यही बीजेपी की कमान गोविंदाचार्य के हाथ में थी। गोविंदाचार्य संघ की पृष्ठभूमि से आते थे और बहुत ही सादगी वाला जीवन जीते थे। वीपी सिंह ने एक बार गोविंदाचार्य से मीटिंग के बाद बोला कि ये व्यक्ति तो चलता फिरता कंप्यूटर है, इसको तो भारत के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा इश्यूज रटे हुए हैं। गोविंदाचार्य अडवाणी और अटल की जोड़ी से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि अटल बीजेपी का फेस बने। उन्होंने एक एम्बेसेडर से बोला कि आप वाजपेयी पे फोकस क्यों कर रहे हो, वो तो महज एक मुखौटा है, असली चेहरा तो अडवाणी जी है। ये खबर आग की तरह फैल गई। वाजपेयी जी जब आए तो उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता को चिट्ठी लिखी और इसी आर्टिकल के बारे में पूछा और बोला कि विजयादशमी की शुभकामनाएं। एक और पत्र उन्होंने गोविंदाचार्य को भी लिखा और सफाई मांगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे वक्तव्य का अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन वाजपेयी जी ने फैसला कर दिया था कि गोविंदाचार्य को जाना ही होगा। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर उन्होंने अध्ययन अवकाश लेकर पॉलिटिक्स से गायब हो गए। पॉलिटिक्स में एक बार यदि आप किसी की आंख में खटकने लगते हैं तो वो आपको निकाल कर ही दम लेते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।